नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ आपसे बात करने के लिए कि चतुर्थी के दिन, पितृपक्ष में चतुर्थी के दिन श्राद्ध कभी भी नहीं करना चाहिए। जब भी कोई भी व्यक्ति चतुर्थी के दिन श्राद्ध करता है तो उसके परिवार में बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है कि चतुर्थी के दिन किसी भी व्यक्ति का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। चतुर्थी के दिन उसी भी उसका उस व्यक्ति का श्राद्ध करना चाहिए जिसका अकाल मृत्यु हुई हो। अकाल मृत्यु जिसे एक्सीडेंट हो गया हो, अचानक से मृत्यु हो गई, जिसकी उम्र ना हुई हो, अचानक से दुर्घटना में मृत्यु हो गई हो, ऐसे व्यक्तियों का चतुर्थी के दिन श्राद्ध करना चाहिए। जब भी कोई परिवार, जब भी कोई व्यक्ति चतुर्थी के दिन श्राद्ध करता है तो उसकी वजह से, जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है कि उनके घर में तमाम प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न होने शुरू हो जाती हैं। समाज में नाम खराब होना, परिवार में समस्या उत्पन्न होना, परिवार में व्यक्तियों की मानसिक स्थिति को सही नहीं होना, ये सब चीजें उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। इसलिए इस चीज को आप विशेष ध्यान रखें कि चतुर्थी के दिन आप श्राद्ध ना करें। उसी भी व्यक्ति का श्राद्ध करना चाहिए जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई, जिस व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हुई, ऐसे व्यक्तियों का चतुर्थी के दिन श्राद्ध करना चाहिए। तो आशा करता हूं दोस्तों, छोटी जानकारी आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।